डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, ये है झूला पुल जो कि देवप्रयाग से पहले पड़ता है, और यहाँ पर ये अलकनंदा रिवर है तो इसी पर ये झूला पुल बना हुआ है। और यहाँ से नेचर का व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा था। तो ये है रोड और चारों तरफ आप पहाड़ देख सकते हैं, और ये झूला पुल उत्तराखंड में काफ़ी सारी जगहों पे आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जहाँ पे इस पार से उस पार जाने के लिए रास्ता नहीं होता है वहाँ पर ये झूला पुल ही काम आते हैं। तो यहाँ पर भी ये झूला पुल बना हुआ था तो काफ़ी अच्छा, मतलब यहाँ का व्यू आ रहा था। तो मैंने एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनाई है यहाँ से आप सबके लिए, आई होप कि आपको पसंद आएगी। तो ये रोड भी काफ़ी दूर दूर तक देखी जा सकती है। तो यहाँ पर वीडियो क्लिप बनाने के बाद अब हम चलते हैं अपने आगे के सफ़र में, और आगे भी हमारे साथ वीडियो में बने रहिए क्योंकि आगे भी काफ़ी अच्छे अच्छे व्यू देखने को मिलेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स देवप्रयाग, और यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो मटमैला पानी आपको दिखाई दे रहा है नदी का, ये तो श्रीनगर की तरफ से आ रही है, ये है अलकनंदा रिवर। और जो ग्रीन पानी है जिसका, ये है भागीरथी, तो ये टिहरी की तरफ से आती है। और यहाँ पर ये है रोड, और यहाँ से देवप्रयाग का पूरा व्यू देखा जा सकता है। काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था यहाँ से देवप्रयाग संगम का, तो मैंने छोटी सी क्लिप बनाई थी आप सबके लिए। और दूर दूर तक पहाड़ भी देखे जा सकते हैं। यहाँ से काफ़ी लोग वीडियो बना रहे थे देवप्रयाग संगम की और फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। तो अब चलते हैं अपने आगे के सफ़र में, और आगे भी आपको सुंदर सुंदर व्यू देखने को मिलेंगे पहाड़ों के, रोड के, क्योंकि रोड भी काफ़ी पक्की बन चुकी है। आप देख सकते हो काफ़ी चौड़ी रोड है और पक्की भी है। और अब हम आए देवप्रयाग से थोड़ा आगे, यहाँ पर भगवान शिव की बहुत बड़ी मूर्ति है। तो यहाँ पे मेरे बच्चे बहुत ज़िद करते हैं कि मम्मी यहाँ पे ज़रूर रुकना है। तो यहाँ पे फ़ोटोज वगैरह खींचने के बाद अब हम चले हैं अपने आगे के सफ़र में। तो यहाँ से भी आप रोड देख सकते हो काफ़ी दूर दूर तक, और नेचर का भी काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिल रहा है यहाँ से। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में।
पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स देवप्रयाग से आगे तीन धारा। ऋषिकेश से बद्रीनाथ की तरफ जब जाते हैं तो गाड़ियां सबसे ज़्यादा यहीं पे रुकते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ठंडा रहता है और खाने की मतलब सभी सुविधाएं हैं यहाँ पे, होटल्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो हम यहाँ पे नहीं रुके थे, हम तीन धारा से थोड़ा आगे एक होटल है वहाँ पे रुके थे। तो यहाँ पे पूरा मार्केट है तीन धारा का, काफ़ी बड़ा मार्केट है ये भी। एक तरफ आप गाड़ियाँ देख सकते हो और एक तरफ होटल है नीचे की तरफ। तो चलते हैं अपने आगे के सफ़र में। अब हमारी गाड़ी रुकी है तीन धारा से थोड़ा आगे। यहाँ पर दो होटल है और प्रकृति का काफ़ी सुंदर नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहा है और नीचे आपको गंगा रिवर भी दिख रही होगी। काफ़ी सारे पेड़ पौधे देखने को मिल रहे हैं, रोड देखने को मिल रही है दूर दूर तक। और यहाँ पे हमने खाना खाया था और खाना खाने के बाद हम अपने आगे के सफ़र में निकल चुके थे। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक है, सेकंड पार्ट आपको जल्द मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियोस में, सेकंड पार्ट का ज़रूर वेट कीजिएगा। तो यहाँ से ये होटल के बाहर का व्यू है और यहाँ पे मेरे बच्चे खाना खा रहे हैं, इन्होंने मैगी खाई थी और हमने आलू का परांठा खाया था। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स और जितना ज़्यादा हो सके हमें सपोर्ट कीजिएगा यूट्यूब में। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।